नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति किसान किंग पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 75 HP का सबसे दमदार ट्रैक्टर जो कि न्यू होलैंड है, जो कि TX प्लस में, इसके हम फ्यूचर और कीमत के बारे में जानकारी यहां पर पूरी लेंगे, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहना। अब देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस यानी कि इसका फर्स्ट नंबर पर है इंजन की बात करते हैं, तो इंजन इसमें यानी कि 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जिसमें 75 HP का ये ट्रैक्टर है। इसके अंदर 4 सिलेंडर आता है। कूलिंग सिस्टम देखे तो वाटर कूल्ड सिस्टम दिया गया है, और एयर फिल्टर देखे तो एयर फिल्टर ड्राई टाइप का एयर फिल्टर इसके अंदर लगाया गया है। और इसमें जैसा कि पीटीयू की हॉर्स पावर की बात करें तो पीटीयू की हॉर्स पावर शक्ति इसमें 65 यानी कि है, जो कि 65 यानी कि इसकी HP है पीटीयू की। और जैसा कि हम ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसमिशन इसमें देखिए टाइप यानी कि फुली कॉन्टेस्ट मैच और पार्टियल सिंक्रोमैस इसके अंदर सिस्टम उपलब्ध है। और हम बात करें इसके कलस की तो डुअल कलस दिया गया अभी, तो इसमें इंडिपेंडेंट कलस लीवर दिया गया जो कि दोनों सिस्टम के अंदर कलस भी आता है। और जैसा कि हम इसके बैटरी की बात करें तो बैटरी 12 वोल्ट पर यानी कि 100 घंटे पर है, और इसमें अल्टरनेटर है 55 यानी कि 55 एम्पीयर। इसमें जैसा कि अगर बात करें इसके ब्रेक्स की तो ब्रेक्स इसमें दिया गया है वो है यानी कि मल्टी प्लेट में ऑयल इमिस्टेड डिस्क ब्रेक दिया गया। और जैसा कि हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के स्ट्रिंग की है, तो स्ट्रिंग व्हील की बात करते हैं, स्ट्रिंग दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है इस ट्रैक्टर के अंदर। नए नए फ्यूचर के साथ ये 75 HP में बनाया गया है जो कि 4 व्हील ड्राइव में है। जैसा कि हम इस ट्रैक्टर के बारे में जैसा कि बात की इंजन के बारे में, तो इंजन में काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया, ट्रांसमिशन में भी अच्छा सिस्टम है, और ब्रेक्स ऑयल इमिस्टर डिस्क ब्रेक ये तो सभी ट्रैक्टरों में ज़्यादातर आते हैं, बट यहाँ पर बता रहे हैं वो सेम टू सेम आपको लगते होंगे। लेकिन यहाँ पर बनती है कि अगर इसके फ्यूचर की ओर देखें तो फ्यूचर आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे कि सिंक्रोमैस आता है तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ना, और इसकी हॉर्स पावर शक्ति काफ़ी अच्छा है, और पावर स्टीयरिंग में ही आता है जैसा कि 4 व्हील ड्राइव है। और इसमें जैसा कि पावर टेक ऑफ पीटीयू की बात करें तो मल्टी स्पीड में रिवर्स पीटीयू देखने को मिलेगी, जो कि यानी कि पीटीयू सिंपल वाली आती थी उसके जगह यहाँ पर रिवर्स पीटीयू भी काम करती है, ताकि आप यानी कि पीछे लोडर वगैरह का यूज करें जैसे कोई थ्रेसर वगैरह हो तो उसमें काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकता है ये पीटीयू की यानी कि रिवर्स घुमाने के लिए। कोई भी मशीन यंत्र लगाते हो तो ट्रैक्टर में काफ़ी फ़ायदा होता है उस मशीन को चलाते समय, और 546 पर 1000 ERPM पर। और फ्यूल टैंक की बात करें तो यानी कि इसका फ्यूल टैंक आता है वो 60 लीटर का है, और लिफ्ट कैपेसिटी हाइड्रोलिक की बात करें तो 2000 की लिफ्ट कैपेसिटी आती है, जो काफ़ी उठाने की क्षमता की है इसकी वो काफ़ी बढ़िया है, जो कि 2000 kg तक ये लिफ्ट कैपेसिटी यानी कि है जो उठा सकती है वज़न 2000 kg तक। और 60 लीटर का टैंक दिया गया है, जो काफ़ी लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को ड्राइविंग यूज़ करते हैं खेतों में, तो वहाँ आपके लंबे समय तक डीजल डाला होगा तो वहाँ तक यानी कि 60 लीटर का होगा तो काफ़ी लंबे समय तक ट्रैक्टर चल पाएगा आपके खेत में। आप यूज़ करवाओगे तो काफ़ी लंबे समय तक आपको डीजल एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ेगा, यानी कि 65 लीटर तक आप डालकर ट्रैक्टर को यूज़ कर सकते हैं काफ़ी घंटों तक, तो जैसा कि काफ़ी बढ़िया सिस्टम है। और इसमें देखिए टायर तो आगे वाले टायर हैं 650/16 के, और पीछे वाले टायर दिए गए हैं 16/9/28 के दिए गए हैं, रियर टायर 16/9/28 के दिए गए हैं। 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर तो है ही। और कीमत की बात करें तो कीमत आपको देखने को 7,90,000 देखने को मिलेगी, करीबन 8 लाख इसकी प्राइस हैं, जो काफ़ी भी यानी कि ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ऑन रोड प्राइस यही है। धन्यवाद।